नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं JIMMC न्यूज। देश में 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे आने वाला है, जिसको लेकर कॉलेज और स्टूडेंट्स के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। तो चलिए आज इसी एक्साइटमेंट को लेकर जागरण पब्लिक स्कूल चलते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें कौन सी टीचर सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। आपका नाम क्या है? वैष्णवी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8। तो वैष्णवी, मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी टीचर है जिनसे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए? आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर संध्या मैम से हुई। और आप संध्या मैम से सबसे ज़्यादा इंस्पायर क्यों हुई? आई थिंक शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड शी इज़ वेरी अप्रोचेबल एज वेल एंड हर लव फॉर टीचिंग इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल एंड शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प इफ अ स्टूडेंट इज़ लैकिंग समथिंग। थैंक यू वैष्णवी। आपका नाम? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। तो मीनाक्षी, मुझे बताइए कि आप किन टीचर से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुई हैं? बेसिकली लास्ट ईयर हमारे क्लास को पढ़ाने के लिए SST में छाया मैम आई थी, मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग था। और वो आपको बहुत इंस्पायरिंग क्यों लगे? बिकॉज उन्होंने बस हमें पढ़ाया नहीं, उन्होंने हमें खुद से पढ़ना सिखाया। मोर ओवर उन्होंने ये बताया कि हमें बस अभी नहीं पढ़ना है, हमें अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है। उन्होंने हमें और सारी ट्रिक्स बताई पढ़ने के लिए। दैट्स मीनाक्षी। अभी मेरे साथ स्कूल के दो और स्टूडेंट्स हैं, तो अब उनसे जान लेते हैं कि कौन से टीचर उन्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अर्णिमा खंडेलवाल है। और आपका? मेरा नाम इश्मीत कौर कलसी है। तो मेरे साथ अभी इश्मीत और अर्णिमा है, तो अब उनसे जान लेते हैं। अच्छा, तो अर्णिमा, मुझे ये बताइए कि आप कौन से टीचर से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुई हैं? मैं रश्मि चोपड़ा मैम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और वो कैसे? उन्होंने मुझे क्रिएटिव होना सिखाया, उन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग की स्किल्स सिखाई। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने मुझे 2 साल तक सिखाया था 2nd और 3rd grade में, एंड मैं उन्हें हमेशा एडमायर करती रहूँगी अपनी लाइफ में। थैंक यू। और आप कौन से टीचर से इंस्पायर हुई? संगीता मल्होत्रा मैम। और वो कैसे? वो बहुत काइंड थी। जब मैं 2nd class में थी, तब वो मेरी क्लास टीचर थी। तब मैं बहुत शाई थी और उन्होंने मुझे सिखाया कि कॉन्फिडेंट कैसे होना है। वो बहुत फ्रेंडली थी और उन्होंने मुझे क्रिएटिव होना सिखाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जागरण पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मैम, मिस हेमा प्रियदर्शी मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका JIMMC में। थैंक यू सो मच। मैम, आप इस टीचर्स डे के मौके पर अपने स्टूडेंट्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू be more sensitive towards each other, to be sensitive towards the society, and to be dedicated towards their academics. तो आपने देखा कि हमने वाइस प्रिंसिपल मैम से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जागरण पब्लिक स्कूल की टीचर मिस संगीता मल्होत्रा मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है JIMMC में। थैंक यू मैम, थैंक यू। इस टीचर्स डे आप अपने स्टूडेंट्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मेरा मैसेज हमेशा से हर बच्चे के लिए सेम रहा, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जागरण पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर डॉक्टर DK सिन्हा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JIMMC में। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, आप इस टीचर्स डे पे अपने स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इस टीचर्स डे पे मैं अपने सारे विद्यार्थी को आई जस्ट सिंपली वांट टू से देम कि प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, योर टीचर्स, बिकॉज टीचर्स आर योर नॉट ओनली गुरु, इवन दे विल ऑल टीचर्स, नो टीचर इन द कंट्री दे नेवर वांट कि उनका बच्चा ना पढ़े ना अच्छा करे। तो टीचर्स आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके हर समय आपके बारे में सोचते हैं, और जब आप अचीव करके देते हैं तो शायद पेरेंट से भी ज़्यादा खुशी मैंने महसूस किया है। ये मेरा अनुभव है कि आज के इस कंपिटिटिव वर्ल्ड में हम अपने शिक्षक को रिस्पेक्ट दें। आज हम सब शिक्षक, आप सभी, इस टीचर्स डे पे मैं अपने सारे विद्यार्थियों को मैं असेंबली के थ्रू कहूँगा, दोबारा कहूँगा, और मैं बार बार जब तक जीवित रहूँगा तब तक कहूँगा कि प्लीज़ गिव
रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स। तो आपने देखा कि टीचर्स डे को लेकर मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात की और उनसे जाना कि वो कौन से टीचर्स से इंस्पायर होते हैं। इसके साथ ही मैंने टीचर्स और प्रिंसिपल से भी बात की और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज टीचर्स डे के लिए स्टूडेंट्स को दिया। और आज मैं मौजूद हूँ अपने ही क्लासमेट्स के साथ, तो उनसे जान लेते हैं कि उनकी लाइफ में टीचर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हेलो रानी। हेलो श्रुति। हेलो सिद्धांत। हेलो श्रुति। अच्छा रानी, ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई तो ऐसा टीचर रहा होगा जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा, बताओ हमें कुछ। मेरे स्कूल की दो टीचर्स हैं जिनका मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने मुझे चूज़ किया, मतलब होता है इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, बट उन्होंने पर्टिकुलर मुझे चूज़ किया कि मैं उनकी जो एक्टिंग है उनमें मैं लीड रोल करूं। उन्होंने मुझे वो स्टेज बताया, वहाँ पे जाने को बताया, उन्होंने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया। मतलब जितना मैं शाय थी उन्होंने मुझे उतना ही ज़्यादा इनक्रेज किया आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई, उन दोनों ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस लाइफ, इस कैरियर में जाने के लिए। और आई थिंक जर्नलिज्म के लिए भी उन्होंने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, अब सिद्धांत से जान लेते हैं। अच्छा सिद्धांत, ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में टीचर का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इम्पोर्टेंट रोल टीचर का तो कुछ अच्छा ही रोल होता है, टीचर का इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब हम 8th क्लास में बोर्डिंग में थे तो मेरे वार्डन ने एक बहुत ही अच्छे टीचर का रोल किया था कि मैं ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स गिव अप कर दिया था इंजरी के बाद। तो उन्होंने बोला कि इंजरी कोई एंड नहीं है, अब इंजरी के बाद तुम्हारा उठना ज़रूरी है। तो वहाँ से मेरा कमबैक हुआ, वहाँ से मैं अपना कमबैक किया तो जीतना चालू हुआ मेरा स्पोर्ट्स में, तो उसके कारण स्कूल का नाम भी हो गया, वह इंटर स्कूल टीम में भी चूज़ हुआ, इंटर हाउस टूर्नामेंट्स भी खेला, तो उसमें काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस मिला, तो उसके कारण मैं स्पोर्ट्स में आगे हो गया उनकी वजह से। तो इसी के साथ हमने जाना कि एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके साथ ही एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में, उसकी पढ़ाई में, उसके करियर में एक टीचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आता है। तो इसी के साथ सभी टीचर्स को JIMMC के स्टूडेंट्स की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है, ये बात समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में और मैं हूँ आपके साथ आपकी RJ कनिष्का और आप सुन रहे हैं 91 MHz रेडियो, रेडियो जिम्सी। तो आप सभी यही सोच रहे होंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने टीचर्स का नाम क्यों लिया। तो आज है 5 सितंबर और आज है टीचर्स डे, तो सबसे पहले हम सभी टीचर्स को दिल से हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहते हैं। एक टीचर ही होता है जो हमें सही गलत का मतलब सिखाता है, जो हमें पढ़ना सिखाता है और हमारे जीवन को दिशा दिखाता है। आप सबको जितना शुक्रिया अदा बोलूँ उतना कम है। तो आज का ये छोटा सा कार्यक्रम मैं आप सभी टीचर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को है मेरा शत शत प्रणाम। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा टीचर तो होता ही होगा जो हमको कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर करता है। मेरे टीचर्स तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्कूल के टीचरों ने बोलना सिखाया तो कॉलेज के टीचरों ने अपनी बात रखना सिखाया, बोलना सिखाया और एक कॉन्फिडेंस दिलाया। शायद आप मेरी बातें और आवाज़ सुन रहे हैं तो वो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। आज आप सभी को टीचर्स डे में जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अगर मैं आप सभी की भूमिका बताऊँ तो शायद से ये साल ही कम पड़ जाए। आप सभी की मेहनत के लिए मैं आपको जन्मों जन्मों तक शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँगी। जीवन में हम अपने टीचर से सबसे पहले रोते हुए मिलते हैं और हंसते हुए बिछड़ते हैं। ये सब बातें सोच के कहीं ना कहीं दिल खुश भी होता है और मन उदास भी होता है, क्योंकि वो पल अब वापस नहीं आएंगे। मुझे याद है कि कैसे हम लोग क्लास में लड़ाई करते थे और टीचर हमें समझाते थे, और जो बच्चे बोर्डिंग में रहते थे उनके तो टीचर ही हाउस मदर, हाउस फादर होते थे, जो उनको माँ बाप जैसा प्यार भी देते थे और गुरु जैसा ज्ञान भी। मैं तो हैरान हो जाती थी उन टीचरों को देख के जो पूरे साल गुस्सा करते थे और पेपरों के टाइम एक टीचर से ज़्यादा एक अच्छे मोटिवेटर बन जाते थे।
आज एक प्यारी सी शायरी दुनिया के हर बच्चे की आवाज़ बन के आप सबको सुनाना चाहती हूँ अपने प्यारे टीचर्स के लिए। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना सिखाते। तो आज एक मधुर गाना मैं अपने टीचर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं आशा करूँगी सभी टीचर्स को ये गाना पसंद आएगा। देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाइए तारे जमीन पर। शुक्रिया टीचर्स मेरी ज़िंदगी को थोड़ा इजी बनाने के लिए और मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए और भारत की हिस्ट्री बताने के लिए। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब इजाज़त दीजिए अपनी फेवरेट आरजे कनिष्का को और सुनते रहिए रेडियो जिम्सी। आरजे रानी और आप सुन रहे हैं रेडियो जिम्सी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उनकी जिनकी भूमिका आपके मेरे हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में शिक्षक का किरदार बहुत खास होता है। वह हमारे जीवन में उस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होते हैं जिनकी उपस्थिति मंच पर तो नहीं दिखती परंतु उसके होने से नाटक में जान आ जाती है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में एक शिक्षक की भी भूमिका होती है। चाहे आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, शिक्षक की आवश्यकता सबको पड़ती है क्योंकि इन्हीं से हम शिक्षा लेते हैं। तो आइए इसी के साथ आनंद लेते हैं इस मधुर गीत का।
शिक्षक दिवस पर ये गीत आप सबको पसंद आया होगा। जी, ज्ञान, जानकारी और समृद्धि के वास्तविक धारक शिक्षक ही होते हैं, जिसका इस्तेमाल कर वह हमारे जीवन के लिए हमें विकसित और तैयार करते हैं। हमारे माता पिता की तरह ही हमारे शिक्षक के पास भी ढेर सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, फिर भी वो इन सब को दरकिनार कर रोज स्कूल कॉलेज आते हैं तथा अपने जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह भी करते हैं। कोई भी उनके इस बेशकीमती कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं देता, इसलिए एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षकों के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम साल में एक बार उन्हें जरूर धन्यवाद दें। और इसी के साथ मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कभी डांट कर इसने प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, ढाल बन के हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना भी सिखाया, कभी गलती बताकर कभी गलती छुपाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया, कभी माता पिता बन के दी सलाह, कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया। आज कहते हैं उन टीचर को बड़ा सा थैंक यू जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर वर्ष 5 सितंबर को हमारे निस्वार्थ शिक्षकों को उनके बहुमूल्य कार्य के योगदान को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर हमारे पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिन्होंने पूरे भारत में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाने का आग्रह किया था। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर उनके छात्रों के अनुरोध के रूप में शुरू किया गया था। जब एक दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला तो उनके छात्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया। शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन पर उनके काम को मनाने के लिए मनाया जाता है और उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर मेरा जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, और आप सब सुनते रहिए रेडियो जिम्सी। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर उनके छात्रों के अनुरोध के रूप में शुरू किया गया था। जब एक दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला तो उनके छात्रों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन को सभी शिक्षकों के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। 1962 से जिस वर्ष उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन पर उनके काम को मानने के लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें गर्व का विशेष अधिकार माना जाता है। छात्र और शिक्षक का रिश्ता अनोखा होता है, जिसे एक शब्द या वाक्य में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान, स्नेह और प्यार देते हैं। वे अपने छात्रों को भविष्य में जो बनना चाहते हैं वह बनने के लिए अपने जीवन में प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए अपने उन शिक्षकों को याद करें जिनकी हम प्रशंसा करते हैं और जिन्होंने हमें जीवन में हार ना मानने के लिए प्रेरित किया है, और उन्हें शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें विशेष महसूस कराते हैं, और हम छात्रों के प्रति सम्मान और प्यार और स्नेह दिखाते हैं। इस टीचर्स डे के अवसर पर मैं मेरी एक टीचर नीलम शर्मा के बारे में बताना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी उस समय मदद की जब फाइनल एग्जाम के लिए
मेरे पास बहुत कम समय बचा था। उन्होंने बहुत ही कम समय में मुझे सारे विषयों की न केवल तैयारी कराई बल्कि उन्होंने मुझे मेरे कमियों को दूर करने में भी मेरी मदद की। 12वीं के एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए और ये सब नीला मैम की वजह से ही संभव हो पाया है। थैंक यू मैम, हैप्पी टीचर्स डे। मोहन ने ही सर है जिन्होंने हमें अपनी जिंदगी में प्रेरित किया था कि कभी हार नहीं मानना है। जब मैं चोटिल था तो उन्होंने कहा यह कोई अंत नहीं है तुम्हारी जिंदगी का, अभी तुम्हें जिंदगी और देखनी है, और ऐसे अगर तुम हार मानोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूंगा, और सडन ऐसा प्रयास किया मैंने कि सफलता ही प्राप्त हुई। मैं इसीलिए जिंदगी भर अपने नेगी सर को याद करता हूँ और उन्हीं से मेरी इंस्पिरेशन। आजाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान इतिहासकार, दर्शन शास्त्री एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये शुरू से मेधावी के छात्र रहे। 1990 में राधाकृष्णन जी का मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चयन हुआ। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक नियुक्त हुए। जिस कॉलेज से इन्होंने एमए की पढ़ाई की थी वहीं से इन्हें उपकुलपति के रूप में नियुक्त किया गया, किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन जी एक वर्ष के अंदर ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में चयनित कर लिए गए। इन्होंने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मिति सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य एवं व्यवहार की प्रशंसा करते थे। ये 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे एवं 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। शिक्षा एवं राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान में उनके जन्मदिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के उपरांत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। साथ ही इस दिन देश में विख्यात एवं उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। वर्तमान भारत के शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के योगदान एवं उनके आदर्शों को आगे ले जाने की दिशा में तमाम पहल किए गए हैं, और अभी बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है जिससे देश का हर एक बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। देश को विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए जरूरी है कि शिक्षा की सीमा महज डिग्री और रोजगार तक ही सीमित ना रहकर मानवता के मूल्यों को साकार करने में सहायक हो। तो आज जरूरत है हर एक छात्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की इन पंक्तियों पर को हमेशा याद रखे कि शिक्षा के माध्यम से हमें मानवता की उन नैतिक जड़ों को जरूर याद करना चाहिए जिनसे अच्छी व्यवस्था एवं स्वतंत्रता दोनों बनी रहे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।